મજામાં હોય, થોડી ઠંડુ ઠંડુ મજામાં થોડી હોય. ઓકે, હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ આકાર બ્યુટી એન્ડ સલૂન એક્સપો 2021. આઈ એમ યોર હોસ્ટ ધ્રુવી પંડ્યા, વેલકમિંગ ઓલ ઓફ યુ વન્સ અગેન. કેમ છો? સોરી, વન મોર ટાઈમ, હાઉ આર યુ ગાઈઝ? આજે થોડા શોર તો મચાઈએ. સો અભી ક્યા કરના હૈ? હમ સભી કો થોડા સા ડાન્સ કરના હૈ. કિતને લોગો કો ડાન્સ પસંદ હૈ? તો અભી ગાના બજેગા સ્વિંગ, ઓકે, જિસકે ઉપર પહેલે આપકો બહોત જ્યાદા ગરમી લગ રહી હૈ ઓર ઉપર સે કરંટ કા ઝટકા લગ રહા હૈ. ક્યા હુઆ હૈ? બહોત જ્યાદા ગરમી હો રહી હૈ, ઠીક હૈ, ઓર ક્યા હો રહા હૈ? ઝટકા લગ રહા હૈ. ક્યા કરું કે ઉસમે ગરમી લગ રહી હૈ, ઝટકા લગ રહા હૈ. ડન, ઓકે, ચલો થોડા સા વોલ્યુમ ઘટકા હૈ. કવિતા દીદી, આજ હમ જો લોગ દેખેંગે ઇતના શોર ચ
बिकॉज़ वो खुद एक पूरा एनर्जी का मतलब साथ में लेकर घूमता है, तो इतनी एनर्जी एनर्जी से तो काम नहीं चलेगा राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ा शोर तो चाहिए। मॉडल हमारे सामने है, बिना मॉडल के, बिना आउटफिट के, बिना ज्वेलरी के, बिना आर्टिस्ट के, बिना हेयर स्टाइलिस्ट के हम काम नहीं कर सकते राइट। आज हम ऐसा लुक देखेंगे जो रियल लाइफ में भी हम कर सकते, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सीजन स्टार्ट होने वाला है ठीक है। तो ऐसा लुक देखेंगे जो आप ब्राइड में भी कर सको, बीच में जो भी पॉइंट अच्छा लगे क्या करोगे, अहमदाबाद की आवाज आनी चाहिए ओके। दूसरा कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो बिंदास पूछो, मैं आपकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, छोटी बहन हूँ, किसी की बेटी जैसी हूँ, तो टेंशन मत लेना ठीक है, बिंदास पूछ लेना ओके। तो काम शुरू करें। कविता मैम, इवन वी हैव हिना मेहता द डायरेक्टर ऑफ अगर एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड, कैन वी हैव ऑन द स्टेज प्लीज। So, thank you so much to you and everyone. इनकी वजह से और इनकी पूरी टीम की वजह से आज हम सब इकट्ठा हो पाए हैं, इतनी कोविड के टाइम की इतनी फ्रस्ट्रेशन के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, मजा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हिना मेहता एवरीवन, द डायरेक्टर ऑफ अटल एजुकेशन प्राइवेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। અહીંયા બે વર્ષ પછી આપણે ફરી વાર એક આકાર જીબી સરુન એક્સપો 2021માં ભેગા થઈ રહ્યા છીએ। તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે આટલો સપોર્ટ કર્યો અને જે 5 વર્ષથી કરતા આવ્યા છો, આજે 6th વર્ષ આપણું આકાર જીબી સરુન એક્સપો માટે આજથી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે। 3 દિવસનું આપણું એક્ઝિબિશન રહેશે અને કન્ટિન્યુઅસ 10 થી 7 આવી જ રીતે સારા સારા લીડિંગ જેટલા બી આર્ટિસ્ટ છે એને આપણે લઈને આવી રહ્યા છીએ। તો 3 દિવસ એક્ઝિબિશનનો ભરપૂર લાભ લો, લાઈવ સ્ટેજનો લાભ લો। અને બીજું બી એક અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું કે અત્યારે બી ઘણું બધું સ્ટાર્ટ થયા પછી બી હજુ આપણને લાગે છે કે કંઈક કંઈક થઈ જતું હશે, એટલે આપણે ફરી એકવાર January 10-11, 2022માં ફરી એકવાર એક્ઝિબિશનમાં બ્યુટી સલૂન વિન્ટર એક્સપોમાં ફરી મળીશું। પ્લીઝ પ્લીઝ ડેટ યાદ રાખજો, આકાર એક્ઝિબિશન, આકાર બ્યુટી સલૂન એક્સપો 10-11 January 2022। થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ। ओके, सो बिफोर मैम मेकअप स्टार्ट करें, एक बार कविता पटेल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑलराइट, स्टार्ट कर दें। ओके, एंड भाई कभी कभी क्या होता है पता है, अभी जैसे सोशल मीडिया पर, मैं हम स्टार्ट करूँ इन बिटवीन थोड़ा सा, हाँ जैसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग अभी फिल्टर्स बहुत आ गए राइट, किसको पता है स्नैपचैट इंस्टाग्राम एंड ऑल राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को देखते हैं वो कुछ अलग होते हैं, लाइव में देखते हैं कुछ अलग होता है। लाइक मैंने कविता मैम को देखा, सेम टू सेम, ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि फिल्टर में अलग दिखते हैं लाइव में अलग दिखते हैं? तो एक बार एक सलून में गई, सलून वाली दीदी को मैंने बोला कि एक है सोनाली करके, मैंने बोला सोनाली को बुलाओ ना प्लीज़, और वो जिस लड़की को मैं पूछ रही थी वो खुद सोनाली थी। सो ये है फिल्टर्स वाला गेम सब। सो क्या चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो प्रिपरेशन में हमने जो दो चीज़ें की हैं वो मैं बता देती हूँ। हमने यूज़ किया है क्लेंजिंग डीपली का क्लेंजर मेकअप स्टूडियो का ओके, देन उसके बाद में हमने टोनर यूज़ किया है पिक्सी टोनर, नोट करते रहो काम आएगी ओके। सिर्फ मुझे नहीं देखना है, इधर देखना। यस, और इन सब के लिए भी एक बहुत अच्छी सरप्राइज है हमारे पास, वो मैं आपको इन बिटवीन बता ही दूंगी आपको अगर इसका बता सकते। सो उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ बीएससी का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइजर, ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है, इसको हाइड्रा मॉइस्चराइजर से भी जानते हैं, एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइजर से भी जाना जाता है और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर से भी जाना जाता है। अलग अलग नाम होते हैं लेकिन आपको एक ही जैसा काम देता है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं लेकिन अभी हम फिलहाल पीएसी का यूज़ करते हैं ओके। इससे स्किन को हाइड्रेशन मिलता है जो ज़रूरी है और
ये कॉमन स्टेप है हर एक स्किन के लिए, सिर्फ एक स्किन पे सिर्फ ड्राई पे जाएगा या कॉम्बिनेशन पे जाएगा ऐसा नहीं है, ये सबको यूज करना होता है पर स्किन के हिसाब से कम ज़्यादा हमें करना होता है, ड्राई है तो ज़्यादा है या कम है, ऑयली है तो उस हिसाब से हमें यूज़ करना होता है। ओके, हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको जितना हो सके बताती जाऊँगी, बट फास्ट भी हमें करना है। ओके, और इन बिटवीन किसी को कोई क्वेश्चन है आप मेरे को बुला सकते हो, जितना टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। राइट, सी द एप्लीकेशन की वो किस तरह से एप्लीकेशन कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और अगर आप सभी को नोट डाउन करना है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज कविता मैम ने निकाली है, एंड शी इज द ओनली वन जिन्होंने ये किया पहली है। सो आई वांट टू शो दैट ब्रश मैं यूज कर रही हूं वो है प्रो आर्टा PP16 नंबर का ब्रश, इसको पॉलिशिंग ब्रश भी बोलते हैं और बफिंग ब्रश भी आप बोल सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस बुक के बारे में सोशल मीडिया पर देखा है? सो ये बहुत स्पेशल बुक है, जैसे कि आप अभी लाइव मेकअप देख रहे हो तो आप सभी चीजें इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो और घर पर जाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो विद द रियल प्रोडक्ट्स। ओके, ये ज्यादा अच्छी क्यों है, क्योंकि इसका जो मटीरियल है ठीक है, आप ओरिजिनल प्रोडक्ट इसके ऊपर यूज कर सकते हो, तो इसके ऊपर आज स्पेशल डिस्काउंट है। राइट, और वो आपको क्यूस्केयर के स्टॉल पर और एनबीसी के स्टॉल के ऊपर मिल जाएगा। जब भी आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओ थोड़ा सा वेट करो 20 सेकेंड, क्योंकि वो स्किन से अच्छे से पेनिट्रेट होता है, उसी से हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, उस पर जो ग्लो आना होता है। प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गलती से भी इसको इग्नोर मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन को इग्नोर करते हैं, वैसे ही हमारे क्लाइंट आए तुरंत वाइप से क्लेंजिंग किया, फेस वॉश कराया, सीधा मेकअप, थोड़ी देर बाद क्या होता है वो या तो क्रैक्स आ जाएंगे या तो ब्लैक हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने सही से प्रिपरेशन नहीं किया। अब देखो मैंने जो भी मुझे बोलना था मैंने बात भी कर ली और वो अच्छे से पेनिट्रेट भी हो गया, समझ में आया? तो आपको क्या करना है उसको पेनिट्रेट होने देना, आप दूसरे कोई प्रोडक्ट निकालो तब तक वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। एटलीस्ट 20 सेकंड तो आप वेट करो ताकि वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और आपका जो लुक है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, आपकी क्लाइंट को रिफ्रेश भी फील होगा, और आपका जो एक आजकल सबको क्या चाहिए, नेचुरल लुक और ग्लो। एक होता है नेचुरल लुक चाहिए लेकिन फेस पे ग्लो भी चाहिए, राइट, है ना। दूसरा जो मॉइस्चराइजर है हम अभी जो यूज़ करेंगे वो हम मॉइस्चर के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया था, हाइड्रेटिंग के लिए यूज़ किया था, सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं मॉइस्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर बहुत सारी बारिश होती है, ज़मीन पे बहुत सारा पानी गिर गया, बहुत सारा पानी गिर गया ठीक है, पर अचानक से धूप आए तो क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, देखा है ज़मीन में कैसे क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर आपने काफ़ी सारा पानी दे दिया ठीक है पर उसके ऊपर आपने मॉइस्चर नहीं दिया, मतलब खेत में हम लोग क्या खेत में जो आतन जो डालते हैं वो क्या होता है मॉइस्चर भी देता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो ये क्या है हमारा स्किन का, हाँ अभी याद रखना, ये क्या है स्किन के लिए, हाँ एमरोलिस, ये है हमारे स्किन का खातर। ऐसे ही याद रखोगे ना बहुत अच्छे से, मज़ा भी आएगा और याद भी होगा, आपको ऐसे ही सिखाने वाली एक एक चीज आपको ऐसे ऐसे पता चलेगी जिसका हमारे अच्छा तो ये याद भी रहता है, दिमाग में भी रहेगा और आप लोग उसको करोगे। ओके, थैंक यू मैम, ये बहुत अच्छी टेक्निक थी याद रहने की, क्योंकि हमें ज़्यादातर याद रहता नहीं है, जैसे बताया क्लाइंट आता है टिश्यू से करके मेकअप स्टार्ट कर दे, बट ये बहुत अच्छी टेक्निक थी। ऐसी कोई भी टेक्निक अगर आपको पसंद आ रही है ना दिल खोल के ताली बजा देना। ओके, यस थैंक यू। जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ सेम ब्रश है PP16 नंबर फ्रॉम प्रो आर्ट, आप कोई भी फ्लफी मतलब कि कोई भी आप पॉलिशिंग ब्रश ले सकते हो, ये प्रो आर्ट है। ओके, आप जो ब्रांड आपको सही लगे आप ले सकते हो। एंड अदर थिंग आई वॉन्ट टू से इज कि जो लोग फर्स्ट से लेकर लास्ट तक रहते हैं, हम लोग लास्ट में क्विज करने वाले हैं जहाँ पर मैं सब प्रोडक्ट के क्वेश्चन पूछूंगी और मैम भी रहेगी वहाँ पर ठीक है, जो पूरा सिक्वेंस बताएगा और बिटवीन क्वेश्चन आंसर जो कर देगा ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है हमारे पास ठीक है। और ये सही में है, ऐसा नहीं कि आपको रखने के लिए मैं भूल रही हूँ, और वैसे तो आप कहीं जाओगे नहीं ऑफकोर्स बिकॉज कविता मैम है आज तो, सो बट वी हैव अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू।
ओके सो कहीं जाइएगा। और एक आपको टिप्स दे दूँ, कभी भी अपने क्लाइंट को इतना ज़्यादा इरिटेट मत करो कि वो परेशान हो जाए, ऐसे दबा के ऐसे उसमें घुस के काम नहीं करने का, कैसे करने का, थोड़ा शांति से प्यार से, ठीक है। और एक चीज़ कि नेक गले और कान पे, ठीक है, मैं ना वर्ड ही मैं नॉर्मल भाई देसी गर्ल हूँ मैं, वर्ड मेरे कान ईयर जो भी है वो सबको समझ में आए ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो गले पे फेस पे और कान पे बेस करना है, सेम करना है, नहीं तो क्या होता है, मेरा कोई स्टूडेंट है मैं क्या बोलती हूँ, क्या लगता है ये अलग अलग खानदान से लगते हो, ये अलग खानदान का लगता है, ये अलग खानदान और ये अलग खानदान, समझ गए, एक खानदान का नहीं लगता है, इसलिए सबको एक ही खानदान का करना है, एक ही इंसान है ना। अभी बात करते करते क्या हो गया, मेरा खातर भी पेनिट्रेट हो गया, हो गया ना। ओके एंड एक बात मैं बताना चाहूँगी कविता मैम की, लाइक मैम अभी काम कर रहे हैं तो इन बिटवीन मैं थोड़ा सा आप सभी से बातें कर रही हूँ। मैम जो एक्चुअली में है ना सेम बैकस्टेज भी वैसे है, टू बी ऑनेस्ट मैं आई थिंक कविता मैम मैं आपको 2 साल से जानती हूँ, हम मिले एक ही बार मिले, ये दूसरी बार मिल रहे हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने बोला ना कि मैं भी आपकी तरह क्राउड में बैठी थी, वो सेमिनार जो था तब ध्रुवी वहाँ पे एंकरिंग कर रही थी, और अगर आपको याद हो तो मैंने वाइट सिंपल सा टॉप पहना था और ऊपर बुलाया गया था स्टेज पे कि किसको आर्टिस्ट बनना है, तब मैं स्टेज पे चढ़ के बोला था कि मुझे बनना है, मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे बनना है या नहीं बनना है, पर मैं चढ़ गई मुझे बनना है पर वही तब वो यही लड़की थी जब वो एंकरिंग कर रही थी, आई थिंक 2-3 साल पहले। बट द थिंग द कॉन्फिडेंस द कॉन्फिडेंस ही अरे चलो एक मिनट, हम लोग नाज का रेडिएंट प्राइमर यूज कर रहे हैं, नहीं यही कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी मैम, कि मैम के अंदर जो है मेरा भी गड़बड़ होता है यार, मैं भी आम इंसान हूँ। जो ब्रश मैं अभी यूज कर रही हूँ वो है कैंडी लव का 309 नंबर, 309 फ्रॉम कैंडी लव। ओके सो आप सभी लोगों ने इमेज किया था कि आज कविता मैम जो है ब्राइडल लुक दिखाने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने। अच्छा हम लोग कौन सा मेकअप करते हैं, हमारी जो ब्राइड्स होती है उनके कौन सा लुक दिखाते हैं, मतलब रियल में आप किस चीज से अर्निंग करते हैं, अर्निंग कैसे होती है। यस मैं आ रही हूं, ब्राजीलियन मेकअप करके अर्निंग हुई है, ब्राजीलियन करके किसने अर्निंग हुई है, नहीं किया ना, क्लास करके किया होगा स्टूडेंट को सिखा के, पर ब्राजीलियन करके किसी ने अर्निंग किया तो सीखना क्या, सोसाइटी जिससे हमारी अर्निंग है। आप लोग यहाँ पे आए हो, बहुत सारे स्टोर में आप विजिट दोगे राइट, वहाँ से जो भी आप चीज़ें लेने वाले हो, क्यों लेने वाले हो, उससे आपकी क्या होती है, अर्निंग होती है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाए ना जिससे आपकी अर्निंग हो, समझ में आया। ब्राज़ीलियन दिखा देते आप देख लेते तालियां बजा देते चले जाते, पर वो आपके काम नहीं आता वो आपके काम, तो वही देखो जो हमारे काम आए, अच्छी बात है अपने आप को अपग्रेड करना, मैं सब कर सकती हूँ, आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, मैं वो भी कर सकती हूँ जो ब्राज़ीलियन है, कटक्रीज है, कलरफुल आइज है, सब कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं मेरे पास एक ही चांस है, एक ही लुक है, ऐसी कोई चीज़ दिखाए और ऐसी कोई टिप्स सबको बताएं जो रियल ब्राइड में सब जहाँ से अर्निंग करते हैं वहाँ पर आपको काम। और एक बात, कविता मैम बहुत अच्छी मेंटर तो है ही, बहुत अच्छा सिखाते तो है ही, पर वो एक एक्चुअली रियल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, उनके रियल ब्राइडल्स जो होते हैं वो भी उतनी ही खूबसूरत होती हैं, तो उनसे कभी आपको गलत कोई एडवाइस नहीं मिलेगा, वो तो आप सभी जानते ही हो, मेरे से बेहतर जानते हो राइट। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जिस छोटे से गांव से हूँ वहाँ पे जो ब्राइड्स है, मतलब वहाँ की जो ब्राइड्स थी, मैं अभी तो सूरत में हूँ बट जहाँ पे मैं पहले काम कर रही थी वहाँ की जो ब्राइड्स है वो पहले पंडित जी से डेट निकालती है, फिर पहले मुझे फ़ोन कर दिए दीदी इस डेट पर आप फ्री हो, दीदी बोलेगी हाँ तो पंडित जी को हाँ यही डेट रहता है, अगर दीदी बोलेगी नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, पंडित जी डेट चेंज कर दो, कविता दीदी फ्री नहीं है। तो आप भी अपने एरिया में इस लेवल का काम दो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, मुझे पता है ब्राइड हमेशा एक फ़ोटो क्लिक नहीं करने दे हमें, वो चीज़ नहीं, हम ब्राइड रियल ब्राइड की नहीं ले सकते, बहुत सारी ब्राइड ऐसी होती है सोशल मीडिया पे फोटो नहीं रखने देती है, सबको एक मंत्र बताओ मैं फेमस होने का या अच्छा नाम बनाने का,
क्या बोलते हैं उसको, एकदम ऐसा मंत्र बताओ जो जो आप सबको ही कर सकते हो, गुरु मंत्र, ठीक है। अपनी आजू बाजू से सुंदर बहनें हैं या फिर किसी की स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, जिनके फीचर्स हैं अच्छे नहीं भी अच्छे हैं, उनको हम क्या करते हैं और अच्छे, वैसे दुनिया में कोई भी लेडीज ऐसी नहीं जिसके फीचर अच्छे नहीं, एक मुझे दिखा दो जिसके फीचर अच्छे नहीं। भगवान ने हर किसी के अंदर, किसी की स्माइल अच्छी है, किसी का नोज अच्छा है, किसी का, किसी की आईज अच्छी है, किसी के हेयर अच्छे हैं, है ना। अपने आप को सुंदर कौन कौन मानता है, खुश हो भी जाएंगे, हम सब सुंदर हैं, लेकिन आप जब मेकअप करते हो तो क्या होता है, और ज्यादा सुंदर लगते हो। सिर्फ लिपस्टिक लगाने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बढ़ता है, राइट। अपनी अपनी प्रोफाइल, कितने लोगों की प्राइवेट आईडी है जल्दी से बताओ। ओके, वी हैव सम ऑडियंस। प्राइवेट आईडी को हटाओ और पब्लिक करो, सबसे पहले फॉलोवर्स चाहिए ना रियल, अगर प्राइवेट रखोगे तो कैसे आएंगे लोग, नहीं आएंगे। तो क्या करना है, पब्लिक कर देना है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ने फेमस किया है, और आप लोगों को भी कर सकते हो। तो आप लोगों को एक ही काम करना है, रोज नए मेकअप करो, चाहे हाथ पे लाइनर लगाओ ना उसकी भी फोटो डालो, स्टेटस लगाओ, स्टोरी में चढ़ाओ, ताकि आपकी आईडी एक्टिव रहे, लोग आपको ज्यादा पसंद करें और सबको पता चले कि भाई ये बहुत अच्छा मेकअप करती, मैं जाऊंगी तो ब्राइड किसी के पास नहीं, मेरा जिस दिन शादी है किसी के पास करो। मेरी फर्स्ट ऑर्डर जो है, मेरी ब्राइड, वो सिर्फ मेरा लाइनर देख के मेरे पास आई, समझे, उसके बाद जो लाइन लगी थी पूछो, समझ गए। आप इस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करो, रोज एक्टिव रहो, दोपहर में टाइम मिले एक अच्छा सा मेकअप लाइनर कुछ भी करके पोस्ट करो, समझ में आया। अभी जो हम पैलेट यूज करेंगे वो है फेरा रोशी की पैलेट, ये लिपस्टिक और कंसीलर पैलेट है। कभी भी याद रखना है कि कोई भी डार्क सर्कल्स को या फिर कोई भी प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए अगर कुछ भी ना समझ में आए ना, तो टू शेड डार्कर ब्राउन कलर ले लेना है और लगा देना है, क्योंकि हम लोग कौन से तीन पिगमेंट से बने हैं पता है, रेड ब्लू येलो, इन तीनों को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ब्राउन बनता है। तो ये तीनों जब मिक्स हो जाएंगे और ब्राउन बन जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम को तो कौन हाइड कर देगा, सबका बाप ब्राउन, क्या याद रखोगे, सबका बाप ब्राउन, ओके। तीन कलर को मदर कलर बोले जाते हैं, जो पिगमेंट्स है तीन उनको मदर कलर बोला जाता है, तो मदर कलर को जब मिक्स करते हैं तो बाप बन जाए, समझ गए, याद रखो। यहाँ पर कविता में इन बिटवीन कुछ लोगों से बातें करना चाहूँगी। जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ वो है कैंडिलोका 114 नंबर, बहुत ही पतला लेयर आपको अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, एकदम पतला लेयर चाहिए। नोज के कॉर्नर में ज्यादातर डार्कनेस होती है, उसको अच्छे से कवर करो। कविता मैम, इन बिटवीन कुछ लोगों से बात करना चाहूँगी विद परमिशन। यस, यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने कविता मैम की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास किए हुए हैं? ओके ओके, ऑफलाइन वाले कितने हैं? ओह माय गॉड मैम, यू हैव अ वेरी लिटिल चाइल्ड आल्सो। ओके, एनीवन ऑफलाइन क्लास किसी ने अटेंड किए? ओके, ऑनलाइन वाले? ओके, आप, मैं आपके पास आऊँगी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं आपका, सॉरी मैं स्क्रीन में आ रही हूँ, वीडियो सॉरी। जो ब्लेंडर में यूज कर रही हूँ वो है कैंडी लगा, और ये डैम ब्लेंडर है, मतलब कि ये इतना गीला है कि मैं हाथ लगाऊँ तो ये मुझे फील हो कि ये गीला है, मतलब कि वेट है, पर मैं इसको जब निचोड़ूंगी तो पानी नहीं निकलना चाहिए, और ये चीज़ की वजह से काफ़ी सारे लोगों के मेकअप खराब हो जाए। अगर आप थोड़ा भी वेट रखोगे तो जो लगा हुआ फाउंडेशन है वो ब्लेंडर में आ जाएगा, अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो भी लगा हुआ फाउंडेशन आपके ब्लेंडर में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको कितना वेट रखना, मतलब कि कितना डैम रखना होता है इसको, डैम मतलब कि निचोड़ने के बाद पानी ना निकले लेकिन हाथों को भीगा हुआ है ऐसा लगे, समझ गए। मैम व्हाट्स योर नेम? सीमा। मैम सी इज शिया एंड ये सिर्फ 11 साल की है और इसने आपके क्लास अटेंड किए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। yes. यार अभी बहुत छोटी है यार, एक बार सिया के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, क्यों, क्योंकि इतनी छोटी सी है 11 साल की।
के साथ। यस मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मैं आऊंगी ना डोरी। ओके एक और बार सिया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सिया। हम जो अभी फाउंडेशन हमने जो दो लिए हैं वो कौन से बता देती हूँ। फर्स्ट हमने लिया है नार्स और उसका शेड हमने लिया है पंजाब। ओके दूसरा मैं ले रही हूँ शार्लेट टिल्बरी का 6 नंबर। अभी ये कंफ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है कि मैंने दो फाउंडेशन मिक्स कर सकते हैं क्या, चलेगा क्या? सब चलेगा, अभी हम वही करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर देख लोगे तो आपका टेंशन नहीं होगा कि भाई हम मिक्स कर सकते हैं, कोई भी किसी भी साथ में मिक्स कर सकते हैं। ओके अगर आपको उनका टोन बनाना है तो कोई भी किसी भी शेड के साथ में कोई भी फाउंडेशन के साथ में मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके यहाँ पर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो, मैं आपके पास आऊँगी माइक लेकर। ओके आइकॉनिक का मैं एलिमिनेटर मिक्स कर रही हूँ, एक ड्रॉप मैंने ऐड किया है हल्का सा ग्लो आने के लिए। ठीक है और इसका जो शेड है वो है ओरिजिनल शेड का, नहीं ओरिजिनल प्रोडक्ट भी ओरिजिनल है और शेड भी ओरिजिनल है। एक और दिमाग से चीज़ निकाल देना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कम प्राइस में भी बहुत अच्छा काम देते हैं, समझ गए? कुछ कुछ इकोनॉमी रेंज भी हम दिखाएंगे। एंड अदर थिंग मैम की क्लास में स्पेशल बात क्या होती है कि ऐसा नहीं होता कि सबको एक ही सवाल, एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी को ऑलरेडी मेकअप आता है ठीक है तो मैम सिर्फ उन पर ध्यान देती है, किसी को नहीं आता, उनके लिए सारे बच्चे सेम हैं। अभी ध्यान रखना, मैंने क्या किया पहले यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा दिया। हम क्या करते हैं एक ऐसी लाइन बना देते हैं, अब ऐसी लाइन कोई भी फाउंडेशन भी बनाओगे ना अगर वो उसकी स्किन पे सेम भी रहेगा तो भी आपको वो लाइट लगेगा। ऐसे नहीं करना, उसको थोड़ा सा ब्लेंड करके देखना है कि ये सही जाएगा या नहीं जाएगा। हमें कैसे फाउंडेशन यूज़ करना है, बेस कैसे बनाना है, या तो स्किन टोन से सेम या तो एक शेड लाइट, उससे ज़्यादा लाइट अगर जाओगे तो थोड़ी देर के बाद में मेकअप ग्रे हो जाए, समझ गए? जल्दी से फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए सीधा ब्लेंडर लो, अप्लाई करो, ब्रश की हेल्प मत लो। अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली ब्लेंडर से अप्लाई करो। जो ये वाला शेप का ड्रॉपी शेप का जो ब्लेंडर है वो आइस के लिए बहुत अच्छा होता है, इनर कॉर्नर में अच्छे से चला जाता है। आपके पास ये शेप भी होना चाहिए और दूसरा शेप भी होना चाहिए। तो इसका यूज़ ज़्यादातर काफ़ी सारे लोग गलत तरीके से करते हैं, पता नहीं होता है कि सही तरीके से कैसे करें, तो इस तरीके से यूज़ करें। राइट जो मेकअप में प्रोडक्ट नॉलेज होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल दो कि अगर आपको खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी में आपको पता है खिचड़ी तो उसके लिए प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती है राइट, अगर कुछ गलत वलत कर दिया तो वो कुछ और ही बन जाएगा। तो सेम आई थिंक मेकअप में भी वही सेम चीज़ है कि आपको सही प्रोडक्ट पता होनी चाहिए राइट, तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों ने मैम का क्लास किया उनको पता ही होगा कि मैम कितना डीपली प्रोडक्ट जो है वो समझाते हैं। October 26, 27 and 28 को मैम के ऑनलाइन क्लास हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत डीपली आपको सिखाई जाएगी। सो यस मैम के इंस्टाग्राम आईडी पर भी वो पोस्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो आप एक बार देख लीजिएगा और जिन जिन को रजिस्ट्रेशन करवाना है वो जल्दी से करवा लूँगा। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा लेने से कभी भी अच्छा मेकअप नहीं होता, याद रखना। बहुत लोगों को क्या लगता है मैं ज़्यादा फाउंडेशन लगाऊंगी तो क्या होगा बहुत अच्छी दिखेगी सामने, ऐसे नहीं होता। जितना कम जितना मतलब इतना देखो हद से ज़्यादा खा लिया तो क्या होगा उल्टी, और कम खाया तो क्या होगा आवाज़ आएगी ना पेट से भाई तेरे को भूख लगी और खा ले। तो स्किन भी वैसी होती है, जितना ज़रूरी है उतना ही खिलाओ, ज़्यादा मत खिलाओ और कम भी मत खिलाओ, समझ गए?
अभी ये कहाँ ले आए यार Thank you.